हाय फ्रेंड्स आप देख रहे हैं फिल्में खिचली मैं हूं रूना आशीष और रात को आ गई हूं आपके सामने बताने के लिए कि फ़ाइनली जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था इतने समय से वो हो चुका है पवनदीप और अरुणिता का एक जो गाना आने वाला था ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट की तरफ से उसका टीज़र पोस्टर रिलीज़ किया जा चुका है बस हाल ही में रिलीज़ किया गया सो फ्रेंड्स अब आप उन्हें कुछ भी कहिए पवन अरुणिता कहिए पवनीता कहिए अरदीप कहिए जिस तरीके से इन क्यूट से सिंगर्स को आपको प्यार लुटाना है आप लुटाते रहिए लेकिन खबर जो है वो मैं लेकर आ गई हूँ इन दोनों का एक पोस्टर लॉन्च किया गया है जिसमें कि पवनदीप जो है वो अपना दिल खोल जिस तरीके से ही सिटिंग ऑन हिज नीज एंड अनिता इज स्टैंडिंग देयर एज इफ वो प्रपोज कर रहे हैं एंड सर्टनली देख के बहुत अच्छा लगता है इन दोनों की जो भी आपसी राय है ये इनका निजी मामला है लेकिन सच बोलूँ तो ये ऑन एयर इतने क्यूट लगते हैं ऑन स्क्रीन इतने प्यारे लगते हैं कि इनको बस देखते रहने की इच्छा होती है तो इन्हीं का जो गाना है कुछ पिक्चर्स भी थोड़े दिन पहले इसके आउट हुए थे इसी गाने का जो म्यूज़िक फ़र्स्ट म्यूज़िक एल्बम इनका बन रहा था वीडियो एल्बम बन रहा था उसका ये टीज़र पोस्टर लॉन्च किया जा चुका है और फ्रेंड्स मेरी एक बार राज सोनी जी से जो कि ऑक्टोपस एंटरटेनमेंट के करता धरता है उनसे बात हो रही थी तब उन्होंने मुझे बताया था कि ये दोनों गाते तो बड़ा खूबसूरत हैं आशीष और पवन की जो संगीत की जोड़ी है वो अमेज़िंग है लेकिन थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इनको एज एन एक्टर भी काम करना चाहिए और इसलिए मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि इन्हें एज़ एन एक्टर भी इंट्रोड्यूस करूँ लोगों के सामने और मेरे हिसाब से राज सुरानी जी का जो सपना था वो उन्होंने करके दिखा दिया है और पिक्चर्स में देखें या फिर वो जो जिस तरीके से एक एक सिंगल फोटोग्राफ में देखें उन दोनों की केमिस्ट्री नज़र आती है उनकी केमिस्ट्री फील करने को इच्छा हो जाती है सो अगर इनके बारे में मैं कहूँ तो ये वाला ये जो गाना है ये अराफात महमूद जो एक जाने माने बॉलीवुड के लिस्िस्ट हैं उनका लिखा हुआ गाना है संगीत जो है वो तो पवन और आशीष का है ही और अनुणता तो एक्टिंग करते हुए दिखाई दे ही रही है ऑन स्क्रीन सो ओवरऑल कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है ओवरऑल जिस तरीके से लुक दिया गया है इन दोनों को और जिस तरीके से इनको प्रेजेंट किया जा रहा है एक पोस्टर में समझ में आ जाता है कि कितनी ज़्यादा मेहनत की गई होगी इन दोनों को इस रूप में लोगों के सामने लेकर आने के लिए और जितना गाना मैंने सुना है इट्स अ वेरी 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 रोमांटिक सॉन्ग राज सुरानी जी ने जब ऑक्टोबरस एंटरटेनमेंट में स्पेशली ये गाना मुझे सुनाया था तब ही वॉज कम्प्लीटली इन लव विद दिस सॉन्ग उनको ये गाना बहुत अच्छा लगा था दिल के बहुत करीब था उनके और वो चाह रहे थे कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं लोगों के सामने ले कर रहा हूँ कि एक्चुअली शर्ट की मुझे सबसे मेरे दिल के करीब का गाना है और मैं बहुत प्यार से इसे पिक्चराइज करना चाहता हूँ और इसमें देखना पवन और अरुणिता की जो केमिस्ट्री है माइंड ब्लोइंग है सो so, मेरे हिसाब से इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर ऑल पवनदीप अरुणिता फैंस म्यूज़िक फैंस ये दोनों इतने अच्छे लगने वाले हैं इस बात की मुझे अभी से गारंटी है और मैं आपको अभी से बताकर रख रही हूँ इसका टीज़र जो प्रॉपर है वो तो आपने पोस्टर देख लिया टीज़र भी थोड़े ही दिनों में आ जाना चाहिए और ये गाना इस महीने में किसी भी तारीख को आपके सामने आ सकता है तैयारी तो कुछ इस तरीके से चल रही है तो फ्रेंड्स मज़ा आ गया मतलब जस्ट इमेजिन कीजिए ना अभी मालूम पड़ा कि पवनदीप का फर्स्ट एसमीज सॉन्ग आ रहा है 16 तारीख को फिर अरुणिता का एक गाना आने वाला है हिमेश जी की तरफ से जो नेक्स्ट सॉन्ग आने वाला है वो थर्टीन को आने वाला है और अब ये मतलब एक साथ इतनी सारी गुड न्यूज़ ना पेट भर गया मेरा लेकिन ना इच्छा ख़त्म नहीं हुई इन दोनों को और सुनते रहने की और देखते रहने की ये तो मेरा हाल है आप अपना हाल लिखकर बताइए जय हिंद